कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका गेम प्ले इम्प्रूव करने में। तो गाइज इन टिप्स में मैंने बताया है आपको कि आप क्या गलतियाँ करते हो और आपको उसको सुधारना कैसे है, मतलब आपको उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, ये मैंने इसमें बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइज। ये टिप्स बहुत नॉर्मल टिप्स हैं लेकिन अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें एनिमी बहुत इजीली मार देता है क्योंकि हम अपनी गलती से ही मरते हैं। तो गाइज चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 500K की फैमिली बहुत नज़दीक है। इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 15,000 लाइक का। तो गाइज वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा करना और लाइक का बटन भी दबा देना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी टिप नंबर 1 से, जो है गाइज हाउ टू लूट। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको आपकी गलती बताता हूँ कि आप करते क्या हो। जब भी आप किसी एनिमी को मारते हो ना तो आप उसकी लूट करेट पता है कैसे लूटते हो? या तो आप ऐसे आराम से स्टैंड खड़े होके आराम से लूटोगे, ठीक है, कोई आपका हेड ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। या दूसरा आप ऐसे बैठ के लूटते हो, ठीक है। या तीसरा कभी कभार आप क्या करते हो, बैग ओपन कर लेते हो और बड़े मस्ती में लूटते हो। तो गाइज इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एनिमी लूट रहा है, बहुत मस्ती में लूट रहा है बैठ के आराम से, और मैं वहीं पे था और आराम से उसको हेड पड़ा। यहाँ पर भी एनिमी आराम से खड़ा होकर लूट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो गाइज हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा देखो मैं कैसे लूट रहा हूँ, मेरा जो मूवमेंट वाला बटन है उसको देखो, मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ और अपने राइट वाले हैंड से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कि कौन कौन सी आइटम्स है इसके अंदर, और वहाँ से पिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसे धीरे 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 लूट लिया है, इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। अब मैंने उस बैग में से एक लेवल 3 की ग्रिप ली है, तो मैं आराम से उसको कहीं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ हो और वहाँ जाके उसको चेंज कर लूँगा। अब देखो एनिमी आराम से बैठ के लूट रहा है और मैंने उसको पीछे से हेड मार दिया, और यही सेम अब मैं जाऊंगा उसकी करेट लूटने, और मैं कैसे लूट रहा हूँ, गोल गोल घूम के। मुझे भी कोई एनिमी एम कर रहा है लेकिन देखो मुझे गोलियाँ पड़ी है लेकिन हेड नहीं पड़ा। तो गाइस इस टिप को जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 की, नो स्ट्रेट रश। गाइस इस वाली जो टिप को ना आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती जो है वो आप यहीं पर करते हो। आप एनिमी को डैमेज देते हो और एकदम सीधा भागते हो उसकी साइड, और जब भी आप उसकी तरफ सीधा भागोगे गाइस आपको 100% हेड पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर मुझे डैमेज दिया है, एनिमी मेरी तरफ सीधा भाग आ रहा है, तो गाइस हेड पड़ेगा ही पड़ेगा। ये गलती आपको नहीं करनी है गाइस। थोड़ा सा डैमेज के बाद रुको, लाइक अभी देखो यहाँ पर ये एनिमी है, इसने मुझे यहाँ पे ग्रेनेड फेंका है, ठीक है, मुझे पड़ गया है यहाँ पे डैमेज। अब मेरा HP 27 का है। अब गलती देखो वो खुद ही कर रहा है यार, वो खुद देखो सीधा भागता हुआ आ रहा है मेरी तरफ, ना कोई कवर ना कुछ, बस सीधा भागता हुआ आ रहा है क्योंकि मैं डैमेज हूँ। मैंने 2 गोली उसको मारी और वो आराम से मर गया। तो गाइज आपको कवर नहीं छोड़ना है जब भी आप एनिमी को डैमेज दो। अगर आप सीधा भागोगे तो आपको हेड पड़ेगा। आपको क्या करना है, जब भी आप किसी को डैमेज दो ना तो हमेशा सीधा रश नहीं करना। आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे डैमेज दिया है, मैं सीधा नहीं भागा हूँ, देखो मैं क्रॉस में भागा हूँ घर की तरफ, वहाँ पर कवर है, वहाँ से जाके मारता हूँ। अगर वो लड़की जिसने मुझे डैमेज दिया था अगर वो घर के अंदर से मेरे पे रश करती तो मैं मर जाता क्योंकि मेरा HP बहुत कम था। तो गाइज इस टिप को जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं पैन का यूज़। गाइज लॉन्ग रेंज में आपको पैन बहुत ज़्यादा बचाता है, इस बात का ध्यान रखना। आपके पास देखो जब भी पैन हो तो गन को हाथ में पकड़ के भागो। अगर कोई आपको लॉन्ग रेंज से गोलियां मार रहा है और आपके पास पैन पारंग कुछ भी है, आपको गन हाथ में पकड़नी है जिससे आपका पैन पीछे की साइड लग जाएगा, और कोई भी आपको पीछे से गोली मारेगा ना गाइज तो वो आपके पैन पे लगेगी, आपको डैमेज नहीं आएगा। अभी यहाँ पे मेरे को कितनी गोलियां मार रहा है एनिमी, मेरा HP देखो अभी भी 200 का 200 है क्योंकि उसकी सारी गोलियां पैन पे लगी है गाइज। और अगर आप पैन नहीं यूज़ करते हो, अब ये देखो इस एनिमी के हाथ में आपको पैन दिख रहा होगा, मैं उसको पीछे से गोलियां मार रहा हूँ लेकिन उसने पैन का यूज़ किया ही नहीं, इसीलिए वो इजीली मर गया और कवर तक भी नहीं पहुंच पाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसकी लूट का रेट में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको पैन दिखेगा। अगर इसने पैन पीछे की साइड लिया होता तो ये आराम से बच जाता गाइज।
तो गाइज ऑलवेज लॉन्ग रेंज में आपको पैन को पीछे लगाकर भागना है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 जो है सरप्राइज अटैक, मेरी सबसे बेस्ट टिप जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ। तो गाइज इस टिप में करना क्या है आपको, देखो कभी भी अगर आपको एनिमी की पोजीशन पता है तो आप एक जगह रुक जाओ, ठीक है, और एनिमी को पता ही मत लगने दो कि आप यहाँ पर हो। इससे जैसे ही वो आपके क्लोज आएगा आपको उसको एकदम झटके से मार देना है। अभी यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को डैमेज दिया है और मैं भागा, उसने मुझे डैमेज दिया लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं इस साइड हूँ। एकदम से मैं उस पर सरप्राइज अटैक करूंगा और उसको मार दूंगा। जितने भी बड़े प्रो प्लेयर्स होते हैं ना गाइस, वो सब यही टिप को यूज करते हैं। वो हमेशा अपनी पोजीशन को रिवील ही नहीं करते हैं क्योंकि अगर उसकी पोजीशन पता लग जाएगी एनिमी को तो एनिमी उसको आराम से मार सकता है, इसीलिए वो कभी भी अपनी पोजीशन का पता ही नहीं लगने देते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी एनिमी को आपकी पोजीशन ना पता हो और आप उस पर सरप्राइज अटैक करो। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5 जो है पेशेंस। गाइस ये मैंने सबसे ज्यादा नोटिस किया है कि जब भी आप एनिमी को डैमेज देते हो या आप एनिमी को देख लेते हो तो आप सीधा रश करते हो। कभी भी सीधा रश मत करो यार, आप थोड़ा सबर करो, पेशेंस रखो, एनिमी अपने आप गलती करेगा और आपको मौका देगा कि आप उसको मारो क्योंकि वो खुद आप पे रश करेगा। और वो जब वो रश करेगा तो गाइस वो अपने आप कवर छोड़ेगा और जब वो कवर छोड़ेगा तो आप उसको आराम से मारना। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो गाइस आप डैमेज खाओगे और एनिमी को मौका मिल जाएगा आपको मारने का। तो ऑलवेज ध्यान रखना गाइस कि पेशेंस आपको रखना है, जब भी आप क्लोज रेंज फाइट लो एनिमी अपने आप कवर छोड़ेगा और आपको फायदा वहीं मिलेगा, आपको वहीं पे मारना है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये पांचों टिप्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना और गाइस इनका यूज जरूर करना। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।